हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद का पत्र जारी हुआ है। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, अररिया, बांका, मधुबनी, दरभंगा, कैमूर, खगड़िया, भागलपुर, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर एवं नालंदा, तो इन सभी जिलों के शिक्षकों का 10 जून से लेकर 15 जून तक 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित होना है। उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को इसमें प्रतिनियुक्त करना है। तो ये जो प्रशिक्षण है 6 दिवसीय है और ये सभी प्रधानाध्यापक का है, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का, ठीक है। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 10 जून 2024 से 15 जून 2024 तक पटना के तत्वाधान में आपके जिले के प्रखंड में कार्यरत उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिलावार एवं प्रखंडवार उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक की संख्या एवं प्रशिक्षण स्थल का विवरण निम्नवत है। तो इसमें प्रशिक्षण कहाँ होगा सो दिया गया है और प्रतिनियुक्त जिला ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, अररिया, बांका और इसके प्रखंड का भी नाम इसमें टैग कर दिया गया है। 100 शिक्षक को देना है, तो इसमें आप देख लीजिए कि किस किस प्रखंड का नाम जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो गया का, गोपालगंज का, अररिया का, बांका का, मधुबनी, दरभंगा और कैमूर, ठीक है। और कहाँ से कितने शिक्षकों को भेजना है ये चीज़ भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज, सॉरी, नेक्स्ट पेज, खगड़िया, भागलपुर, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और नालंदा। मुजफ्फरपुर में औराई, बांद्रा, बोछा, गायघाट, कांटी, कटरा, कुढ़न्नी और मरवन का है। इसमें से 100 शिक्षक को जो है भेजना है, ठीक है। नालंदा, मधुबनी, किशनगंज, भागलपुर और खगड़िया, कहाँ से कितने शिक्षकों को भेजना है ये भी क्लियर किया गया है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हेतु परिषद द्वारा जिले के साथ साथ प्रखंड को भी टैग किया गया है, ताकि प्रखंडवार शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा किया जा सके। टैग प्रखंड में शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही दूसरे प्रखंड के शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करेंगे, जिसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के आलोक में आपको दिनांक 10/6/2024 से संचालित होने वाले 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में अनुलग्नक के अनुसार प्रशिक्षण हेतु संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों पर दिनांक 10/6/2024 को उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करें। प्रतिनियुक्त करते समय यह ध्यान रखा जाए कि जिन्होंने दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 8 जून 2024 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, उनकी पुनरावृत्ति नहीं की जाए। तो जो 1 अप्रैल से लेकर 8 जून तक प्रशिक्षण कर लिए हैं, उनको फिर से जो है नहीं देना है प्रशिक्षण में। और ये आज ही 5/6/2024 के डेट में ये पत्र जो है जारी हुआ है। तो ये सभी प्रधानाध्यापक का 6 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग से संबंधित है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मैं नए अपडेट के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।